और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गुप्तकाशी मेन मार्केट से। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केदार घाटी के गुप्तकाशी मार्केट से। और आशा करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। तो आज टाइटल थंबनेल देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैन मार्केट गुप्तकाशी से। तो अभी मैंने वहाँ पर सीट रख दी बुलेरो में, तो अभी गाड़ी जाएगी नहीं, तब तक मैंने कहा थोड़ा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, इससे पहले मैं केदारनाथ गया था, पर आधे रास्ते से मैं घर आया तो क्या हुआ मेरे साथ वो आपको पता होगा। तो फिर भी मैं ब्लॉग में बताता रहूँगा। तो बाकी देख सकते हैं अभी हूँ मैं मेन मार्केट गुप्तकाशी में, और ये देख सकते हैं सुबह का टाइम है, आज तो उतनी यात्रा नहीं है, देख सकते हैं भीड़ कम ही है। और गाइस बने रहे आज के ब्लॉग में, और आज हम जाएंगे भीमबली तक दुकान में, और कल वहाँ से ऊपर केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बने रहे आज के ब्लॉग में, देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। तो चलो गाइस, तो फाइनली अपना सपना फिर से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस टाइम भी मैंने अपना केदारनाथ तक जाने का ड्रीम था डोली के साथ, और रास्ते में मेरे साथ हो गया। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और चलो लेट्स गो, बने रहे आज के ब्लॉग। तो गाइस इस वाली गड्डी में हम जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसमें सीट नहीं उड़की, बस बीच और आगे पे उड़ गया और पीछे अभी एक नहीं हुए। तो इस वाली गड्डी में जाएंगे आज। तो देख चलो बने रहे ब्लॉग में, और मिलते हैं आपको सीधा रास्ते में। सो गाइस जब भी पहुंच गए मैं सोनप्रयाग में, तो देख सकते हैं भीड़ देख सकते हैं यात्रियों की। और यहां से मैं जाऊंगा थोड़ा आगे पे वहां पुल पे, और पुल से मैं वहां से गोरीकुंड की गाड़ी मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यात्रियों की भीड़ आजकल। सो चलो अभी हम वहां से पार कर दिया, अब यहां से हमें मिलेगी गोरीकुंड की गाड़ी। सामने देख सकते हैं, और सामने इतनी चेकिंग हो रही ना यात्रियों को, तो ये देख सकते हैं एक लाइन पर जाना पड़ता है उनको, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ से मिलेगी हमें गोरीकुंड की गाड़ी। तो चलो सो गाइस अभी पहुँच गए हम गोरीकुंड में, और यहाँ से थोड़ा आगे से वहाँ से हमारा पैदल मार्च शुरू होगा, और यहाँ पर तक आए हम गाड़ी में। तो बाकी भीड़ देख सकते हैं यात्रियों की, देखते हैं आज हमारे हालात कैसे रहते हैं। और ये भी जाम देख सकते हैं कितना भयंकर जाम है यहाँ। सो गाइस अभी पहुंच गए हम गोरीकुंड मेन मार्केट, और यहाँ से हमारा पैदल ट्रैक शुरू होगा। तो चलो बने रहे हैं ब्लॉग पे, पहले हम जाएंगे सामने गौरी माँ के मंदिर में, दर्शन करेंगे वहाँ, उसके बाद निकल जाएंगे। अभी आए हम गौरी माँ के मंदिर में, और सबसे पहले हम यहाँ पे हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे माँ के मंदिर में। और मेरे साथ आज के ब्लॉग में ये भाई, तो इसको भी दिखाते हैं। तो चलो सुगाई अभी पहुँच चुके हैं हम गौरीकुंड के गर्म कुंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं नहाने के लिए मस्त है, आप यहाँ से नहा कर भी ऊपर मंदिर में जा सकते हैं, और मैं तो सुबह ही नहा गया था तो इसलिए हम नहीं नहाएंगे। नीचे आते टाइम एक बार जरूर स्नान करेंगे यहाँ भी। तो आप देख सकते हैं गाइस यात्री सब मस्त मगन हो रहे, और यहाँ गर्म कुंड है, गर्म पानी है। सो गाइस अभी कर दिए हमने गौरी माँ के दर्शन, तो अच्छे से तो देख सकते हैं मंदिर कुछ इस तरह से बन रखा है। बाकी ये देख सकते हैं गौरी माँ का मंदिर, जय माँ गौरी गौरी। तो चलो बाकी अब हमारा ट्रैक आगे का शुरू होता है। Oh।
सो गाइस जब भी आ गए हम मंदिर से काफ़ी आगे, और आज के तहत में मेरे साथ है निखिल भाई। तो आप कहाँ से हुए थे? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद से है ये। मुझे सोनप्रयाग से मिले तो हम वहाँ से साथ आए, तो मेरे साथ के जो चाचा जी थे वो तो आगे चले गए थे। तो बाकी देख सकते गाइस कितनी भयंकर भीड़ है, बहुत रे। सो गाइस दुकानें देख सकते हैं आप इस टाइम बहुत सारी दुकानें हैं, जगह जगह पे आपको दुकानें देखने को मिलेगी। तो घोड़े वाले ये देख सकते हैं, मतलब सबसे हार्ड काम है तो ये देख सकते हैं घोड़े का। एंड यहाँ से आपको घोड़े भी मिल सकते हैं, घोड़े में जाना चाहते हो आप घोड़ा में भी जा सकते हैं। और बाकी हमारे तो पैदल यात्रा है। एंड सो गाइस अभी पहुँच गए हम हेलीपैड में, यहाँ पर देख सकते हैं। और मुझे जाना है भीमबली तक, यहाँ से भीमबली है अराउंड 4 किलोमीटर। तो बाकी यहाँ से देख सकते हैं, पिट्ठू वाले को पूछा कितना है इनका, पिट्ठू कितने का है यहाँ से किराना? यहाँ से किराना, यहाँ से किराना गवर्नमेंट का 6500 रुपया है, मुझे 8000 गवर्नमेंट का, 6000 गवर्नमेंट का 6500, और वैसे ही प्राइवेट वो होगा तो 10000 तक। तो सबसे मुश्किल काम होता है पिट्ठू। तो बाकी घोड़े का यहाँ 3-4 या 5 है शायद, ऐसे 4-5 हज़ार। तो चढ़ाई भी काफ़ी है देख सकते हैं गाइस, 22 ना। आप नेपाल से हो? ये देख सकते हैं गाइस बहुत मुश्किल, बहुत भारी होता है, 80 किलोमीटर। हाँ 80 किलो केजी। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने में जैसे लग गया 50-60 कभी 20-25 भी होता है, जैसे याद भी लगा। अच्छा, सो गाइस देख सकते हैं ये तो मुझे सबसे मुश्किल काम लगा, मतलब बहुत हार्ड। तो इस तरह से पिट्ठू में ले जाया जाता है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से रहता है। तो बाकी ये देख सकते हैं घोड़े खच्चर तो सुबह से चल ही रहा है, कितने छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। तो बाकी तो गाइस अभी यात्रा ना फुल चल रही है, और रास्ते में कहीं जाने के लिए भी नहीं है, इतना भयंकर भीड़ पड़ रखी है यहाँ। तो अभी देख सकते हैं तो मेरा तो आज हालत ख़राब हो रही है, मुझे सबसे ज़्यादा लगती है भूख, भूख सही नहीं होती है। बाकी ये देख सकते हैं पूरे, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस अरे पहुँच गए हम जंगल चट्टी, और यहाँ से जो भीमबली है अराउंड 1-1.5 किलोमीटर है ऐसे ही है। तो मुझे वहाँ तो हाँ भी हालत देख सकते कैसे हो गई भयंकर, पत्थर की जो मेरे साथ का था वो पता नहीं कहाँ चले गया। एंड ओ भाई ये देख सकते हैं भीड़। सो गाइस फाइनली पहुंच के बस अपनी मंजिल पे, और आज का यहीं पर तक है हमारा पड़ाव मीठा पानी तक। तो बाकी देख सकते हैं यहाँ से हालात अभी यहाँ से हो गए ना भयंकर, मैं से बोला भी नहीं जा रहा वो भयंकर। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कोई वो करके आगे दर्शन करके, तो ये देख सकते हैं कैसी लाइफ रहती है यार केदारनाथ की, पैसों के लिए क्या क्या नहीं करते लोग। ये देख सकते हैं ये घोड़े खच्चर वाले तो बहुत मेहनत करते हैं। बाकी ये देख सकते हैं गाइस, सो गाइज अभी मैंने खाना भी खा लिया, और बाकी आज यहीं स्टे करूँगा मैं रात को, क्योंकि यहाँ भाई की दुकान है तो वहीं स्टे करूँगा, उसके बाद मैं कल यहाँ से मॉर्निंग को निकल जाऊँगा। तो बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक ओके बाय बाय। तो यहाँ मैं स्टे करूँगा, यहाँ पे है दुकान, मेरे भाई की दुकान यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से, बाहर पे इस तरह से फास्ट फूड की दुकान, और अंदर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रहती है केदारनाथ में दुकान। तो चलो ओके बाय बाय, और ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के एपिसोड में, कल जाएंगे यहाँ से।